हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं सर्फ एक्सल रमज़ान ऐड 2022 और इसके अलावा एक और ऐड है केएफसी पाकिस्तान का। सो ये दो एड्स देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। अब्बू, ज़कात क्या होती है? बेटा, अपने किसी कीमती चीज का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांटने को ज़कात अदा करना कहते हैं। मत पूछ मुझसे क्या करता हूँ मैं, मामा बा मामा 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 मगा देगा। वापस चले? हमारे पास खुद के पैसे नहीं है, पर हंसी बहुत है, थोड़ा इनके साथ बांट ले। मत पूछ मुझसे क्या करता हूँ मैं, जहाँ झोली दिख जाए वो भरता हूँ मैं। मत पूछ मुझसे क्या करता हूँ मैं, मेरी दौलत है खुशियाँ, मैंने लुटाई खुशियाँ, जितनी मैं बांटूं उतनी मैं। खुशियों का सदका रमजान मुबारक। खुशियों का सदका अदा करने में अगर दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं सर्फ एक्सल। अरे जल्दी जल्दी चलो, अवतार होने वाली है। दिलों में हजारों ख्वाहिशें भरी हैं, निगाहों के पीछे हसरतें कई हैं। दिलों में हजारों ख्वाहिशें भरी हैं, जमशेद चाचा। ड्राइवर हैं ऐसे थोड़ी, रोजा तो सब साथ खुलते हैं ना। मौला रमजान केएफसी फैमिली डील के साथ हासिल करें प्लस वन मील फ्री और बन जाएं किसी जरूरतमंद का जरिया इफ्तार। ये दोनों अलग अलग एड्स थे, केएफसी का जो था मुझे ज्यादा इमोशनल लगा। इमोशनल एड्स बनाते हैं मतलब पाकिस्तान में। सर्फ एक्सल का जो एड था वो भी काफी ज्यादा सही था। हॉस्पिटल में बच्चे बोलते हैं कि यार सदका किसे बोलते हैं, जक़ात किसे बोलते हैं, जक़ात अपने फादर से पूछते हैं। तो खुशियाँ उन मतलब उनके पास कुछ देने को नहीं होता, फिर भी वो कुछ देना चाहते हैं, तो वो होती हैं खुशियाँ कि हम उनको हंसा सकते हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हुए बच्चे थे। बढ़िया एड्स बनाते हैं। सर्फ एक्सल का तो हर साल का है, एक से एक बढ़िया रमज़ान एड्स लेकर आते हैं, और इस बार भी कमाल का एड था। लेकिन उससे बढ़िया मुझे इन दोनों के अगर कंपेरिज़न में देखा जाए तो मुझे केएफसी का ज़्यादा बढ़िया लगा। केएफसी का कभी देखा नहीं था एड, और केएफसी पाकिस्तान में एड भी बनाने लगे हैं रमज़ान का, तो बढ़िया एड था। एक ड्राइवर को मतलब खाना वाना देना कि साथ में करेंगे, ऐसे थोड़े ना, मतलब लेकर जाती है बच्ची, उनसे पूछती है ड्राइवर से कि ये आपकी इफ्तारी लेकिन साथ में करेंगे, आप भी हमारे साथ में करेंगे। तो वो इमोशंस कनेक्टेड हैं इस वीडियो में कि हर किसी को मतलब देना, और उनका बच्चा जाता है भागकर बाहर, एक बच्चे को भी देकर आता है। क्या इमोशनल एड्स बनाते हैं रमज़ान में यार, ये चीज़ होती है जो अच्छी
अच्छाई की तरफ लेकर जाती हैं, अच्छाई दिखाती हैं कि आप क्या कर रहे हो, किसको क्या दे रहे हो रमज़ानों में। भले ही आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ दे सकते हो आप ज़कात के तौर पर। सो बढ़िया इमोशनल एड्स थे दोनों, आई होप कि आपको भी पसंद आए होंगे। मुझे तो बढ़िया लगा, इमोशनली कनेक्ट हुआ मैं इससे। जितना ज़्यादा हो सके उतना देना चाहिए रमज़ान के महीने में स्पेशली, उसका ज़्यादा सवाब होता है। सो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।